कितने बेहतरीन बासमती राइस से खिले खिले बिरयानी और चिकन भी देखिए, एकदम टूटा नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से गल चुका है, एकदम बेहतरीन मसाले वाले, एकदम बेहतरीन बिरयानी बनाइए, एंजॉय करिए। तो बिना स्किप हुए पूरी वीडियो देखिए, चलिए बनाते हैं फटाफट। हाय एवरीवन, रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे, उम्मीद होगा सब बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए फटाफट बनाते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी चिकन का बिरयानी, जो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। वैसे तो मैंने कई बिरयानी की रेसिपी डाल रखी हूँ, तो आज मैं बनाऊंगी चिकन की बिरयानी जो बहुत परफेक्ट होगा। जो चावल को मैं कुकर में फटाफट बनाऊंगी और चिकन को कढ़ाई में, और इसको फिर किस तरीके से तैयार करना है बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो जिसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, देख सकते हैं, धो के अच्छे से साइड में रख दिए हैं। और ये है बासमती राइस, जिसको मैंने आधा घंटा पहले धो के अच्छे से रख दिया है। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 3 ग्लास ले लिया है। और उसके बाद मसाले हैं, मसाले में देखिए थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा लगता है, मैंने 3 बड़ी पोटी ले लिया था। अदरक है, छोटी बड़ी इलायची है, जीरा मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। यही मसाले पीसूंगी और इसी से इतनी बेहतरीन बनेगी बिरयानी कि आप हैरान हो जाओगे। तो चलते हैं फटाफट गैस की तरफ बनाने। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन एक बार फ्राई करके बनाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। 1 चम्मच जो मसाले पीसे हैं, लहसुन अदरक, उसमें से डाल देंगे। आप नींबू ले लेंगे, अगर रस वाला नहीं है तो 1 डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन टूटेगा नहीं, एकदम चिकन खड़ा खड़ा रहेगा। 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। यहाँ पे मार्केट जैसा चिकन दिखने के लिए एकदम बेहतरीन फूड कलर डाल देंगे 1 पिंच, और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए इसको आराम से चलाएँगे। इस तरीके से चिकन बनाने पे फ्रेंड्स, एक तो देखने में लुकिंग भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट तो पूछना नहीं। कभी भी आप इस तरीके से चिकन बनाइए बिरयानी के लिए, इतना बेहतरीन लगेगा कि आप बाहर का बिरयानी खाना भूल जाएंगे। घर पे बार बार इसी तरीके से रेसिपी बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतना बेहतरीन होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी जो चिकन छोड़ रखा है, इसको हम मीडियम फ्लेम पर होने देंगे, ताकि तब तक चिकन भी गल जाते हैं और पानी भी। जब इसमें तेल जैसा निकलने लगेगा तब मैं दिखाऊंगी आगे। इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं, तब तक चिकन का पानी रिलीव हो रहा है, साइड में दूसरी तरफ करते हैं। तब तक चावल फटाफट बनाते हैं। चावल मैं बनाऊंगी कुकर में, तो गैस पे रख दिए हैं कुकर गर्म होने के लिए। कुकर अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो बड़े चम्मच से 4 चम्मच के करीब हम रिफाइन ऑयल डालेंगे। पे हमने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाए मसाले डाल देंगे। चम्मच ले लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से आप पुलाव भी भून के बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन होगा इस तरीके से। देखिए फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इस तरीके से हम चावल को इसमें डाल देंगे, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक बार अच्छे से चला लेंगे। चावल को भूनना भी एक कला होता है, भून के बनाने का पुलाव बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिए। 2 चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे, क्योंकि बिरयानी बनाएंगे तो नमक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से इसमें, अगर आप मटर खाते हैं तो मटर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं मटर नहीं डालूंगी थोड़ा, तो इसलिए सादा ही पुलाव बनाऊंगी बिल्कुल। तो अच्छा टेस्ट के लिए मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डालूंगी, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। फ्लेम को थोड़ा हाई रख देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। अच्छे से देखिए ये भूनने लगा है। इस तरीके से भून के बनाने में फ्रेंड्स, पुलाव या बिरयानी कुछ भी बनाए, अलग सी साइन आ जाती है और खिले खिले एकदम चावल परफेक्ट बनते हैं। तो ये देखिए भुन चुका है चावल एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसमें अब हम चलते हैं पानी डालने। पानी का प्रोसेस मैं बताऊंगी।
यहाँ पे पानी जितना चावल है उसका डबल लेते हैं। जैसे हमने इस गिलास से लिया है, अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी लेंगे। लेकिन ये बासमती राइस है और इसको हमने भिगो भी दिया था तो ये फटाफट बन जाएगा, तो इसमें पानी थोड़ा कम लगेगा। 3 गिलास चावल था तो 6 गिलास होता, तो मैं यहाँ पे 5.5 गिलास इससे पानी डालूंगी, आधा गिलास कम कर दूंगी, तो 5.5 गिलास यहाँ पे 3 गिलास चावल के लिए एकदम परफेक्ट होगा। दो तीन चार 5 गिलास, ये 5.5 गिलास एकदम परफेक्ट होगा। अब इसको अच्छे से हम चावल को इसमें ऊपर नीचे जो भी चावल लगा है ऐसे चला लेंगे एकदम परफेक्ट। इस तरीके से आप पुलाव बनाइए या चावल बनाइए फ्रेंड्स, एक बार में ही आपकी बासमती राइस एकदम कुकर में बेहतरीन तरीके का बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको लीड लगा लेते हैं और हमें सीटी नहीं लगाना है, जैसे हाई फ्लेम का प्रेशर बनता है उसी समय हमें गैस को बंद कर देना है। तो इस पर हम फटाफट लीड लगाते हैं, इसका फ्लेम हाई रखेंगे, हाई पे ही इसको लगाएंगे, प्रेशर देंगे। तो इसको साइड के तरफ कर देते हैं गैस को। अब चिकन को देख लेते हैं, चिकन को भी हम देखिए चला देते हैं एकदम। तो इसे भी एकदम बेहतरीन तरीके से हो रहा है, इसको फिर ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस जितना गलना हो इसी में गल जाते हैं और बेहतरीन टेस्ट भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है, देखिए चिकन में से एकदम परफेक्ट तेल निकल चुका है। तो इस तरीके से चिकन एकदम फ्राई हो गया है, तो इसमें से हम देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग और खुशबू दोनों आ रही है। तो इसको एक बर्तन में हम फिर चिकन को निकाल लेंगे, तेल साइड में कर देंगे। तेल है उसी तेल में हमने जो प्याज कट करके रखा है, मिर्ची, इसको हम डाल देंगे। दालचीनी का टुकड़ा है और तेज पत्ते हैं, इलायची, इसको भी डाल देंगे, पहले भी डाल सकते हैं। और इसको चला लेते हैं इस तरीके से, मीडियम फ्लेम पे प्याज को इस तरीके से बीच बीच में चला के भूनेंगे, एकदम अच्छा वाला हम गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज देखिए इस तरीके का हो गया है, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि प्याज जब अच्छे से भुनता है तभी बिरयानी एकदम बेहतरीन, नहीं तो बाद में मसाले जब डालेंगे ना प्याज खड़े हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को ही बिल्कुल अच्छे से भुनना है फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा और रह गया है, कलर कितने बेहतरीन आ रहे हैं, तो इसी तरीके से करना है। कुकर में अभी सीटी नहीं लगा था, प्रेशर देने वाला था तभी हमने बंद कर दिया और इसका प्रेशर अपने आप निकला है, मैंने हटाया नहीं है। देखिए इस तरीके से चेक करिए कितना बेहतरीन हुआ है, एक एक चावल खिले खिले हैं आप देख सकते हैं। तो कभी भी आपको कुकर में अगर बनाने की दिक्कत हो रही तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बनाइए, खिले खिले चावल एकदम बेहतरीन तरीके से होंगे। देख लीजिए एक एक चावल खिला खिला हुआ है, कोई नहीं कह रह सकता है कि आपने कुकर में बनाया है। इस तरीके से अगर बिरयानी या पुलाव के लिए बनाएंगे तो परफेक्ट होता है। भी इस तरीके का खुला बर्तन लेंगे और देखिए कुकर से तुरंत पलट देंगे, एकदम देखिए कितना बेहतरीन हुआ है फ्रेंड्स, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कितना बेहतरीन कुकर में चावल बन गया। तो ये होता है तरीका एकदम बासमती चावल बनाने का, आपका भी उम्मीद है एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसको साइड में करते हैं, प्याज जिस तरीके से हमें चाहिए एकदम बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा प्याज बिरयानी गार्निशिंग करने के लिए निकाल लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरीके से, चाहे आप अलग से भी कर सकते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, मसाले को हम कभी भी ढक के डालेंगे फ्रेंड्स। मसाले में पानी डाल के इसको भी हम डाल देंगे, बस इसको अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। देखिए ये सारे इजी से छूट जाते हैं बिल्कुल, जैसे जैसे मसाले पकेंगे सारे छूट जाएंगे। अभी हमने कोई मसाला अभी नहीं डाला है, इसको अच्छे से
पहले मिला लेंगे, केजी के हिसाब से भर के 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी भी ज़्यादा नहीं करेंगे। गरम मसाले हैं, बनाया हुआ मसाला है, सीक्रेट मसाले, ये चिकन मसाले हैं, 1 चम्मच डालेंगे क्योंकि चिकन में भी हम डाल रखे हैं, चावल में भी, तो नमक कम डालेंगे और इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा मटर आप चिकन में एक बार डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मटर के दाने भी डालूँगी, थोड़े से और पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से हम भुनेंगे। मसाले जितने बेहतरीन भुनेंगे फ्रेंड्स, उतना बढ़िया आपका चिकन बनेगा और बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से करके और ढक्कन लगा के हम मसाले को भुनेंगे। तो इस पर तुरंत ढक्कन लगाते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे। मसाले को एक बार चेक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मीडियम फ्लेम पे भुनने का यही एक फ़ायदा, कितनी अच्छी मसाले जब भुन रही है तो सोचो चिकन इसमें जब पड़ेगा तो क्या टेस्ट होगा। खाना बनाते समय एक और चीज़ है, घबराना नहीं होता है फ्रेंड्स, आप टाइम निकालिए और आराम आराम से बनाइए, बिल्कुल इतनी टेस्टी आपकी खाना बनने लगेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हाँ मेरे से भी अच्छा बन रहा है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आराम से बताती हूँ कि खाना कैसे बनता है। हाई फ्लेम पे कभी भी खाना में टेस्ट नहीं आ सकता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे बनाइए और खुश होकर बनाइए, खाना ऑटोमेटिक बेहतरीन बनेगा। ये मसाले देखिए भुन चुके हैं, अब इसमें क्या करेंगे कि हम चिकन डाल देंगे, और चिकन डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक इसको भुनेंगे इसी में, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरीके से हम ढक देंगे। एक बार देखिए कितने अच्छे से मसाले भी भून चुके हैं, हल्का सा पानी डाले हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि हमें बिरयानी बनाना है तो तरी या ग्रेवी रखना नहीं है, सूखा सूखा करना है, तो बस इतना ही हम 1/2 गिलास से भी कम पानी डाले थे। और देखिए कितनी बेहतरीन हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंगे धनिया पत्ता और इसमें डाल देंगे, आप इसको इस तरीके से भी रोटी से, पराठे से, नान से आप खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन होगा। इसको ढक देते हैं थोड़ा, और देखिए कितने अच्छे से साइड साइड तेल पूरा आ गया है, तो एकदम चिकन परफेक्ट हो चुका है। तो इसको गैस को हम कर देंगे बंद, कितना बेहतरीन हो चुका है, चिकन एकदम गल चुका है फ्रेंड्स। कढ़ाई को कर देते हैं बंद। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाल के इस तरीके से कर लिया है, अब इसको कितने के ठंडे होने पे देख सकते हैं खिला हुआ है। अब इसको हम बिरयानी का तह लगाएंगे, किस तरीके से करना है। इसी कढ़ाई को हमने चिकन निकाल के खाली कर लिया और थोड़ा सा नीचे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चावल ले लूँगी, चावल को इस तरीके से करना है। देखिए चावल को फोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप फैल जाएंगे। एक साथ हम पूरा चावल नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही लेना है हमें, अच्छे से मिक्स करना है। पहले हल्के हाथ से करेंगे बिल्कुल, यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले बिरयानी मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, और धनिया पत्ता है थोड़ा सा, जो प्याज हमने करके रखा था, और नींबू है थोड़ा सा, नींबू इस तरीके से करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से सिर्फ इस तरीके से करना है, ताकि मसाले ऊपर नीचे परफेक्ट हो जाए, सिर्फ इसी तरीके से हमें करना है। इसके बाद फिर चावल लेंगे,
इसी तरीके से, इस तरीके से हम चिकन फिर डालेंगे। एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़े से मसाले भी डाल देंगे इसी तरीके से। तरीके से कर लेंगे और नींबू का ऊपर से भी निचोड़ देंगे रस, देखिए कितना बेहतरीन हुआ है। और प्याज का जो है हम इस तरीके से डाल देंगे। इसको गैस पे एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे ढक के। 5 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिया, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हुई है। और इसको हम साइड साइड से इस तरीके से करते हैं, एकदम परफेक्ट। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट हुआ है, कितनी बेहतरीन तरीके से। देखिए परफेक्ट एकदम कुकर में चावल, कढ़ाई में चिकन बनके और बेहतरीन तरीके से खिले खिले चावल एकदम परफेक्ट हुआ है बिरयानी। आप बनाइए इस तरीके से, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।